वंदे मातरम साथियों, आज का वीडियो विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब आदि का नशा करते हैं, लेकिन वो उसे छोड़ना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो में राजीव भाई ने इन सभी व्यसनों को छोड़ने और इनकी तलब से छुटकारा पाने का सरल घरेलू उपाय बताया है। तो आइए सुनते हैं श्री राजीव भाई को। कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही, आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज़्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया, अब हम क्या करें। तो हम दो ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे, दो ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं। तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना। तो कहां से खर्चा घटेगा, तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है, फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में, सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और 1 किलो चाय 150 रुपए की आती है। तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पहले पियेंगे, संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे चाय पहले पियेंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए, उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहाँ गया भाई आदमी, चाय पीने गया, कहाँ गया चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर, चाय पीने चलो दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर, ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, सॉरी ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं, हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए। हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाहिए। आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है आपको मालूम, और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और 1,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000-90,000 करोड़ खर्चों, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और 1,000 करोड़ खर्चों। क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं, बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो, फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है, नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का, बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो,
मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी। 90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी, और ये जो गाय 20 करोड़ हो गई, हर गाय साल में कम से कम एक बछड़ा या एक बछिया देती है, तो कितने बैल हो जाएंगे, और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे, तो ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, डीजल का खर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का। और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा, और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा, यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा, डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। यूरिया डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा। और जो गाय बैल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा, उस मूत्र को इकट्ठा करके छिड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे, तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब बंद हो जाएंगी, इसका 2,00,000 करोड़ और बच जाएगा देश को। कितने फायदे हैं देखो आप, बस एक काम करो, चाय मत पियो, दूध पियो, दूध एक कप दूध पी लो। और आप दूध पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है, चाय पियोगे तो पैसा ब्रुकबॉन्ड कंपनी के हाथ जाएगा, लिप्टन के हाथ जाएगा, टी सिटी के हाथ जाएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स के, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगी। हम वही ठनठन गोपाल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब ये लूटेंगे, तो बंद कर दो आप इसे, तो तुरंत बंद कर दो। फिर पीना क्या है, दूध पी लो, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो नींबू की शिकंजी पी लें, नारियल का पानी पी लें, संतरे का रस पी लें, मौसम्बी का रस पी लें, और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गर्म करके चाय की तरह से पी लें, पानी ही पी लो चाय की तरह से, तुलसी की पत्ती डाल लो, अदरक डाल लो। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पेय बनाया, वो पी लो, चाय से अच्छा है वो, हृदय घात के रोगियों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी, डायबिटिक लोगों सबके लिए अच्छा है। और उसका एक फायदा और है कि चाय पी के जो जहर इकट्ठा हो गया वो जहर को फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता दिव्य पे, तो वो ही पी लो। उसको पियोगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा, हमारा ट्रस्ट यही काम करने वाला है, कुछ और नहीं करने वाला है। तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा देश के लिए। हम बदल रहे हैं देश के लिए, यहां से शुरू करो। दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है। फालतू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू का फालतू खर्चा, बीसियों हजार करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। एक गुटके का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है, अब तो 5 ग्राम ही हो गया है, 10 ग्राम 8-9 रुपए का, माने 1,000 रुपए किलो का हम गुटका गटकते हैं। 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1,000 रुपए किलो का गुटका क्यों खा रहे हो? और गुटका खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। बंद करो ये भी फालतू खर्चा, बीड़ी का, दारू का, शराब का, बंद करो ये खर्चा, बचाओ। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोड़ने के तरीके मैं बता सकता हूं। गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक, अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो, जब भी गुटखा खाने की तलब लगे अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखे चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं, गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। बहुत सरल है, बहुत आसान। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। अदरक में है क्या, एक केमिकल है उसका नाम है सल्फर, ये व्यसन करने वालों के शरीर में सल्फर बहुत कम हो जाता है, तो इसकी तलब लगती है बाहर से पूर्ति करने के लिए, तो वो अदरक से पूर्ति कर लो।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।